हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विद शिवेंद्र। देखिए, आज की जो वैकेंसी है आप लोगों के लिए, ये लीगल फेलो की वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। इसमें जो हाईलाइट फीचर्स है वो ये है कि आप LLB पास आउट होने चाहिए। इसके साथ साथ आप जो सैलरी देख रहे हैं 50,000 पर मंथ इसमें सैलरी रहने वाली है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें न तो प्री है न तो मेंस है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हम क्लास के विषय में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज आती है सबसे पहले मैं इस ग्रुप में ही शेयर करता हूं। तो चलिए आइए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी आई हुई है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली प्रोजेक्ट 39A की तरफ से। ये वैकेंसी निकाली गई है। जो वैकेंसी है वो वैकेंसी का नाम क्या है ये देख रहे हैं आप, लीगल फेलो, ये आपका वैकेंसी रहने वाली है। क्लियर। अब टोटल जो वैकेंसी है ये कितनी है, ये टोटल वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है, दो वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये कब का है, 23 फरवरी 2024 को ये जारी किया गया है नोटिफिकेशन। अब रही बात कि आपका जो जॉब लोकेशन है वो कहां रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा नागपुर में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि आपको काम क्या करना होगा, तो ये आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। ये आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये पूरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें यह मांगा गया है कि आप LLB पास आउट होने चाहिए, चाहे आपने LLB 3 साल का किया है चाहे आपने 5 साल का किया है। दूसरी शर्त यह बताई गई है कि आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? आपने क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस किया है और कहा ट्रायल कोर्ट के अंतर्गत आपने प्रैक्टिस किया हो। थर्ड इन्होंने मांगा है कि आपको मराठी आना चाहिए। मराठी में क्या चीजें, आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इतनी चीजें आनी चाहिए, थोड़ी बहुत मराठी आपको आनी चाहिए। इसके बाद कहा गया इंग्लिश आनी चाहिए, इसमें भी रीड, राइट एंड स्पीक करना आपको आना चाहिए। इसके बाद कहा गया कि थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर में क्या मांगा गया है, ध्यान रखिएगा MS ऑफिस कहा गया है, ये आना चाहिए। इंटरनेट चलाना आना चाहिए, ईमेल वेमेल करना आना चाहिए। तो ये सब बेसिक जानकारियां हैं जो आपको इसमें आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये कहा गया है कि आपको कंपनसेशन कितना दिया जाएगा, सैलरी कितनी मिलने वाली है आपको। तो ध्यान रखिएगा 50,000 आप पर मंथ ये आपकी सैलरी रहने वाली है। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन मिलेगा कहां पे, तो इसकी वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है www.project39a.com, ये आपका वेबसाइट है। यहां पर जाएंगे तो पूरा आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर दूंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद देखिए बताया जा रहा है डेडलाइन। डेडलाइन क्या रखी गई है, लास्ट डेट आपके फॉर्म के फिल करने की क्या रखी गई है, वो रखी गई है 8 मार्च 2024 ये आपकी लास्ट डेट रखी गई है। तो इससे पहले आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी इस वैकेंसी के बारे में जो हमने आपको बता दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।